क्योंकि आपको पता है मेरे पिता ने मुझे कहा है कि डर मत, मैं तुम्हारे साथ। तो आपको डरने की जरूरत है नहीं, क्या जरूरत है आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ, मैं तुम्हें जोर बख्शूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने यहोशू को कहा मैं मूसा के साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। बस इतना काम कर कि जो व्यवस्था मैंने अपने दास मूसा को दी थी तू उस पर ध्यान कर रात दिन। कैसे ध्यान कर? रात दिन। और आपको पता होना चाहिए मेरे पापों के लिए कौन क्रूस पर मरा है। आपको रात दिन ऐसे ध्यान करना है जैसे यहोशू को कहा। रात दिन क्या कर? ध्यान कर। क्या कर? रात दिन ध्यान कर। फिर उसने कहा जहां जहां कहीं तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिस काम को तू हाथ लिखाएगा मैं सफल करूंगा। आमेन, हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तू जिस काम को हाथ लगाएगा मैं सफल करूंगा। सफल, बस इतना काम कर, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन खराब ना हो। उस अवस्था पर रात दिन क्या कर? ध्यान कर। और जब आप ऐसे ध्यान करोगे, ऐसे चलोगे, क्या चलोगे, क्या चलोगे, क्या चलोगे ऐसे, फिर कोई हालात आपको छू भी नहीं पाएगा। कोई हालात, मैंने कहा, आपको छू भी नहीं पाएगा। यही सत्य से कमर अपनी कसनी और उस धार्मिकता के जुल्म को, उस सच्चाई को पहन लेना। आपको पता होना चाहिए कि मैं किसके सत्य में हूं, किसकी सच्चाई में। समझ आ गई? फिर आप अपना मन नहीं खराब करोगे किसी से। क्या करोगे? फिर अपना पूर्ण भरोसा किस पर रखो? पूर्ण विश्वास आप किस पर, अपनी आंखें किस पर लगाई रखोगे? हाँ, अपनी आंखें किस पर लगाई रखोगे? हाँ, फिर आप किसी चीज का डर नहीं रखोगे। बस अब जस ऐसे अगर आप चलते रहोगे, बने रहोगे, और ये हर रोज सामने करना, क्या करना है? हर रोज, एवरी डे, हर बात के लिए। जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर मुझे परख, मुझे जांच, कहीं मुझ में कोई पैड़ी और टेढ़ी चाल तो नहीं है, मुझे परख और दे। ऐसे परमेश्वर का बुराई से क्या रहो, बचे रहो, क्योंकि बुराई करने वालों के परमेश्वर क्या है? बेमुख है। क्या है? तो अपने रोज रोज, जैसे दाऊद परमेश्वर अपने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, परमेश्वर मुझे परख, मुझे देख, मुझ में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे तू खुश नहीं होता। क्योंकि बिना विश्वास से उसे खुश करना बाइबल बताती अनहोना है। क्या है? अगर आप हालातों पर फतेह पाना चाहते हो, जीत प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ये चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइबल में लिखा अब हम मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं। आमेन, हालेलुया। अब हम मसीह में जैवन, पंजाबी में ऐसे लिखा, हद्दों वद फतेह पाई हुई मसीह में। चसी हर चीज दे उत्ते फतेह, मतलब जित पाए हुए लोग हैं। कौन लोग हैं? ऐसी जितते हुए लोग हैं। ये गाएंगे, जित मेरी है, मेरी है। क्या है जित? जित मेरी है, मेरी है। क्या है जित? किनकी है? शैतान की के हमारी है? क्योंकि हमें जीत कौन दे चुका है? कौन दे चुका है? इसलिए आपने परमेश्वर ने क्यों क्या, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से, शरीर पर मन लगाना मौत, और आत्मिक मनसा मतलब आत्मिक जीवन जीने से शांति, और शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है। समझ आ गई है? इसलिए क्योंकि हम मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं, जीते हुए लोग हैं।
हर चीज में परमेश्वर आपसे आपको जीत दे चुका है। बस उसने कहा है मेरे बालकों कोई पाप ना करो, क्या ना करो, मेरे बालकों मेरे बच्चों मेरी हर आज्ञा को मानो और कोई पाप मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें जीत दे चुका हूं। आज भी लोग अपनी इस जीत के लिए, अपनी शरापों के लिए, अपने बंधनों के लिए आज लोग प्रेर कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे वंशों के शराफों के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी। और कुलसियों 2:14 में लिखा जो लेख शैतान ने हमारे जीवन में लिख दिया था, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर किल्लों से जड़कर क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। और विधियों का वह लेख जो शैतान ने आदम और हवा से वो पाप करवाकर हमारे जीवन में लिख दिया था, परमेश्वर ने मिटा दिया, खत्म कर दिया, आपके सामने से हटा दिया है, क्या कर दिया है। इसलिए बाइबल बताती है आप जयवंत हो, फतेह पाए हुए लोगों को, जीते हुए लोगों को, इसलिए आपने ऐसे इस विश्वास से, इस चाह से आपने किसके साथ चलना है, किसके साथ बढ़ना है। इसलिए फिर हम गाएंगे, क्या करेंगे, गाओ, जित मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है, जित मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है, जित मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, यीशु नाम विच हुण जित मेरी है। Amen. Hallelujah. जित हुण मेरी है, मेरी है। इसलिए अपने शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना, रोज रोज आप धन्यवाद करो कि परमेश्वर आप इस काम को कर चुके, यस खुदावन ये हो चुका है, बोलो क्या है, ये हो चुका है परमेश्वर, क्योंकि हर चीज होनी है। यीशु ने कहा आकाश टल जाएंगे, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर जो वचन कहा जब तक वो पूरा नहीं होगा एक बिंदु एक मात्रा भी नहीं टलेगा, ये होकर रहना है। और आपके आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए, उसने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, जो वचन में लिखा आपके लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके आशीष जीवन के लिए, आपके छुटकारे के लिए, वो पूरा होना है। क्या होना है वो पूरा, वो होकर रहना है। आमीन, हालेलुया।